फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और अर्थ वुमन्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मॉर्निंग के अभी 3:30 बज चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ। अब मैं सरगी करूँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी, इसको मैंने खुद ही लगाया था। ये बहुत अच्छी रची है, देखिए बहुत अच्छी रची है। और इस हाथ में मैंने बस ऐसे लगा लिया था, ये देखिए। तो अब मैं जल्दी से सरगी कर लूँगी और सबसे पहले तो मैं फेस वॉश करूँगी और थोड़ा मुँह भी धो लूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। और अभी मैं धीरे इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अभी अर्थ और उसके पापा सो रहे हैं, तो इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो ये देखिए, मैं सरगी खाने के लिए रेडी हूँ और मैंने दूध और ब्रेड लिया है। फिर ज़्यादा कुछ मैं खाने का नहीं सोच रही थी क्योंकि खाली पेट अगर आप दूध जैसी कोई चीज़ें लो या फिर दूध से बनी कोई चीज़ें खाओ तो थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन मैंने गैस की गोलियां पहले ही खा ली थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सिर दुखने लगता है और इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड ले ली हूँ और फिर दूध ली हूँ और थोड़ी सी स्वीट्स मैंने लिया है, बूंदिया मैंने लिया है, तो मैं इसको खा लूँगी। और फिर खाने के बाद मैं सो जाती हूँ और 1 घंटा सोती हूँ। उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे सुबह उठती हूँ, फिर घर के सारे काम करती हूँ। और सारे काम जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, तो घर के क्लीनिंग वगैरह करके और फिर मैं आई हूँ यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए। तो मुझे ये जो जितने भी फूल आप देखेंगे वो मेरे आंगन में ही हैं सारे। जितने फूल मैं अभी तोड़ूँगी आप देखेंगे तो वो सारे फूल मेरे आंगन में ही खिले हुए मैं लगा के रखी हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है और मुझे बहुत मन लगता है पूजा पाठ करने में। और अगर इसके लिए आपको अच्छे अच्छे फूल मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। ये देखिए, ये लाल फूल मैंने लगा रखे हैं, ये लाल गुड़हल के फूल हैं। तो ये भी मेरे ही आंगन का फूल है। और ये जो रोड के दूसरे साइड मेरा एक और छोटा सा घर है, वहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, वो सारे जितने भी मतलब जो बिना काम की चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने वहाँ पे रखा है, जैसे कि आप एक स्टोर रूम समझ लो उस तरह की है। तो फिर उसके आंगन में हमने ये रेड वाला लगाया था। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा चुकी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा नहीं, मेरी गाड़ी में पता नहीं चलेगा कैमरे में। तो सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं नहा चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए और सुबह के सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे ब्रेकफास्ट अभी बनाना बाकी है क्योंकि मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन हस्बैंड और मेरा बेटा तो खाएगा। तो पूजा मैं कर लेती हूँ सुबह की, जो डेली मैं पूजा करती हूँ वो वाला पूजा मैं अभी कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। और फिर दिन भर टाइम बचेगा तो उसमें पूजा की तैयारियाँ भी मुझे करनी है, तो वो आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और यहाँ पे देखिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे फूल आज मिले थे। आज क्या डेली मिल जाते हैं क्योंकि ये मेरे खुद के आंगन के फूल हैं सारे। तो बहुत तो मतलब तोड़ के ले जाती हैं जो लेडीज़ होती हैं, वो सुबह सुबह आती हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए और साथ ही साथ तोड़ के चली भी जाती हैं। तो ऐसे में मुझे कम फूल मिल पाता है, लेकिन आज मैं जल्दी उठ के और फूल तोड़ दी हूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल मुझे मिले हैं और अब मुझे भगवान का पूजा करने में और भी मन लगेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी।
कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। अर्थ अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं हैं तो। और पूजा की ढेर सारी तैयारियां भी करनी है, मैं अकेली हो गई हूँ, मतलब अकेली हूँ, हेल्प नहीं मिल पाता है किसी तरह का मुझे किसी से। तो थोड़ा सा फास्टिंग में थोड़ा मुझे वीकनेस हो जाती है, बट कोई नहीं, करवा चौथ करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ, मैं चाय और पानी पी लेती हूँ। तो सुबह मैंने मतलब पूजा करने के बाद अब मैं चाय पीऊँगी, और अगर प्यास बीच में लगे तो मैं पानी पी लूँगी। तो यही है कि सबका अलग अलग नियम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं फर्स्ट करवा चौथ कर रही हूँ। हमारी शादी के 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने पहले कभी किया नहीं, क्योंकि वैसा सिचुएशन मतलब कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। तो इस बार फाइनली मैं कर रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा मेरा रहता है एक्सपीरियंस करवा चौथ करने का, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे और यहाँ पे घर के मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं नेल पेंट लगाने के लिए आई हूँ और मेरे पास पिंक और ग्रीन कलर के नेल पेंट हैं। तो अभी मुझे टाइम मिला, मैं सोची कि टाइम का अच्छा से यूज़ किया जाए अगर टाइम मिला है तो। इस टाइम मैं सोची कि चलो मैं नेल पेंट कर लेती हूँ, क्योंकि नेल पेंट सूखने में टाइम भी लगता है। और अगर आप जब तैयार हो रहे हो किसी चीज़ के लिए और उसी वक्त अगर आप नेल पेंट अपना करते हो तो फिर नेल पेंट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, जैसे ही नेल पेंट अगर मेरा ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इतनी मेहनत से और इतने अच्छे से मैं लगाती हूँ नेल पेंट अपने हाथ में, और फिर वो ख़राब हो जाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर ऐसे में लगता है कि अपने नेल पेंट को मैं छुड़ाई लूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 या 5:45 हो रहे होंगे। तो नेल पेंट लगाने के बाद मेरे घर के सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके थे। तो नेल पेंट लगाने के बाद मैंने घर को एक बार फिर से क्लीन किया, क्योंकि अब बारी थी पूजा करने की। तो उससे पहले मैंने घर को पूरे अच्छे से क्लीन किया, और अच्छे से क्लीन करने का मतलब है मैं झाड़ू वाड़ू कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ नहाने चली गई थी, और नहा के आई, उसके बाद मैंने महावर लगा लिया अपने पैरों में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़ी सी छोटी सी रंगोली बना ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर ही मैं करवा माता को विराजमान करूँगी और उनकी चौकी सजाऊँगी जितना मेरे से हो पाता है उतना। और यहाँ पर देखिए, मैं आटे की रंगोली बना रही हूँ। तो आटे की रंगोली अच्छे से बन नहीं पा रही थी, और लाइट भी चली गई थी, क्योंकि हमारे तरफ शाम को 6 से 7 बजे तक डेली टाइमली लाइट जाती है 1 घंटे तक। तो लाइट जा चुकी थी, मैं इमरजेंसी लाइट जला के काम कर रही थी। तो अभी तो मैं रंगोली बना ली हूँ और चौकी लगा ली हूँ, आसन भी उसमें बिछा दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रेडी होने के लिए। तो महावर मैंने लगा ही लिया, और आधा से ज़्यादा काम मेरा हो ही चुका था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो ले रही हूँ। तो मैंने लहंगा साड़ी वेयर किया है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेकअप कर ले रही हूँ, थोड़ा सा लाइट मेकअप है, क्योंकि कहीं बाहर तो नहीं जाना था, घर पे ही रहना था। लेकिन फिर भी करवा चौथ है, तो इस दिन महिलाओं को कहा जाता है कि 16 श्रृंगार किया जाता है। तो मैं कोशिश की हूँ 16 श्रृंगार करने की। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ मैं, आप ज़रूर बताइएगा। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब पूजा करने जाऊंगी मैं। और अभी इधर लाइट नहीं है, आप देख रहे होंगे, वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही है। तो अभी लाइट नहीं है, बस अब थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। ये लाइट डेली जाती है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, तो अब थोड़ी देर में लाइट आने वाली है। तो तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, तो आप बने रहिए व्लॉग पे। और अब मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैंने करवा माता का फ़ोटो लगाया हुआ है, और ये शिव जी, पार्वती जी, और इसमें गणेश जी, कार्तिकीय जी, नंदी महाराज और शिव जी सब कोई हैं। तो वो फोटो भी मैंने अलग से लगा लिया है,
और यहाँ पे मैं कलश पहले बिठा रही हूँ। तो कलश के लिए मैंने आसन भी लगा लिया था चावल और फूल का। और उसके बाद फिर मैं कलश में डालने के लिए वो कसैली, चावल, फूल, पैसा, हल्दी की गांठ, ये सब मैं संकल्प करके और कलश में डाल रही थी। तो पहले मैं कलश की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आम के पत्ते होते हैं, तो 5 आम के पत्ते मैं कलश में लगाऊंगी। तो करवा चौथ में ऐसा कहा जाता है कि कलश के ऊपर बहुत कोई नारियल भी लगाते हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप प्लेट में कुछ अक्षत रख के और उसके ऊपर दिया जलाओ, तो करवा चौथ में ये नियम काफ़ी शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। और अब मैं तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मौली धागा मैंने कलश में पहनाना भूल गई थी मैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर से ही रख दी हूँ दिए के नीचे मौली धागा राउंड राउंड शेप में करके, और फिर मैं वहाँ पे रख दी हूँ। और अब मैं सबसे पहले दिया जला लूँगी और अब मेरी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं करवा रख ली हूँ, और एक करवे में मैंने सूखे मेवे, पेड़ा, केला, ये सब भरा हुआ था, और दूसरे में मैं पानी भरी थी, उससे मैं चंद्रमा जी को अर्घ्य दूंगी। और फिर यहाँ पे एक गिलास में मैंने भर के गेहूँ रखा था, और उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी, और उस कटोरी में मैं चीनी थोड़ा सा रख लेती हूँ, और उसके ऊपर जितने भी प्रसाद होते हैं वो मैं चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को तिलक चंदन लगा रही हूँ, माता को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पान के पत्ते हैं, तो पान के पत्ते से मैं उन पे कसैली और चावल रख के भगवान का आवाहन कर रही हूँ, गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, और करवा माता का, जितने भी देवी देवता हैं सबका आवाहन कर रही हूँ कि आप मेरे पूजा पे उपस्थित हो। तो ऐसा किया जाता है। और ये देखिए, ये सीख है, तो ये सीख करवा में लगाना आज के दिन बेहद अच्छा होता है, मतलब लगाया जाता है। और एक पान का पत्ता मैं करवे के ऊपर ढक रही हूँ, और इस पे भी मैं कसैली फूल रख लूँगी। ये जब मैं चंद्रमा को अर्घ्य दूँगी तो उनको फल प्रसाद ये सब चढ़ाने और चढ़ाने के लिए मतलब काम आएगा। और एक गिलास में मैंने पानी रख लिया है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाते वक्त पानी भी पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी भी मैं यहाँ पे रख दूँगी भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं फिर एक दिया जला रही हूँ, और ये दिया में 4 मैंने मतलब 4 बातियाँ लगाई हैं, क्योंकि ये जो पूजा है इसका नाम ही है करवा चौथ, और इसमें 4 बातियाँ वाली दिया जलाना मतलब अच्छा माना जाता है। तो मुझे जैसा ही आ रहा था वो मैं वैसा ही पूजा की हूँ। अगर किसी तरह का मेरे से गलती हुआ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे जैसा आया मैं वैसा की हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं चारों तरफ मतलब घर के मंदिर में और तुलसी माता के पास दिया जला दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरी पूजा मतलब लगभग कंप्लीट होती है, और अब मैं कथा पढ़ लूँगी। तो वैसे तो मैं आपको बताई ही हूँ कि ये मेरा पहला करवा चौथ है, और जब मैं करवा चौथ की कथा पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इसमें 4 कहानी होते हैं, 4 ही कहानी होते हैं, और मैं जो जो कहानी पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं जो हो रहा है मतलब मैं वहाँ पे हूँ, वो उन लोगों के साथ में हूँ। मतलब कथा पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मन ही मन मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पहला करवा चौथ मेरा जो है वो बहुत ही अच्छा बीता। और अर्थ ये देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि अर्थ मेरे साथ साथ में ही है, बैठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अर्थ को पेड़े बहुत पसंद है, तो पूजा में मैंने पेड़े भी चढ़ाए थे। तो अर्थ जो है वो बार बार मतलब पेड़े मांग रहा था। ये बच्चा है ना, इनको नहीं मालूम है कि भोग लगाने के बाद, पूजा होने के बाद प्रसाद खाया जाता है। तो ये जैसे ही पेड़े देखा तो फिर ये पेड़े मांगने लगा, और ये क्या किया कि पेड़े चुपके से खा भी गया था पूजा होने के बाद। मैंने सोचा कि मैं चांद देख लूँगी, चांद को अर्घ्य दे दूँगी, उसके बाद सबको प्रसाद दूँगी, लेकिन अर्थ पहले ही उठा के खा लिया था। तो फिर मैंने जो ये खाया था उसको मैंने साइड कर दिया। अब बच्चा है तो फिर क्या कर सकती हूँ इसको। और ये देखिए, कथा
कथा तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और आरती मेरी हो गई और चारों तरफ मैं आरती दिखा दे रही हूँ, तुलसी माता को, शिव जी को, बजरंगबली को, और घर में चारों तरफ मैं आरती दिखा दी हूँ और अब मैं आरती सब भगवान जी को दे रही हूँ और फिर हम लोग भी आरती ले लेते हैं। और जब सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है तो अब मैं माता से सुहाग ले रही हूँ, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ करवा चौथ के दिन पूजा करने के बाद लास्ट में मतलब अंत में माता से सुहाग लिया जाता है, तो वो मैं ले रही थी और अब मैं लास्ट में प्रणाम कर ले रही हूँ और जो भी मेरी इच्छा है वो मैं मांग रही हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति हमेशा अच्छे से रहें। और फ्रेंड्स, अभी तक चांद नहीं निकला है और मेरे मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि मैं उनको बार बार फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर चांद निकला है या नहीं। ये आप देखिए, ये देखिए चांद का दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, और फाइनली चांद निकल आया है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा कर। और फाइनली चांद निकल आए हैं और मैं उनको अर्घ्य दे रही हूँ और अर्घ्य देने के बाद मैं यहाँ पे तिलक, चंदन और हल्दी, कुमकुम जो भी होता है वो मैं इस तरह से चढ़ा ले रही हूँ और फिर जो मैंने पान का पत्ता जो रखा था उसके ऊपर कसैली, फूल, अक्षत, प्रसाद मतलब भोग प्रसाद, ये सब रख के और मैं चंद्रमा जी को बोल रही हूँ कि मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरे पति को हमेशा स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड की पूजा कर ले रही हूँ। तो ये देखिए चंदन मैंने लगा दिया है उनको, तिलक चंदन लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं उनको ये चावल ऊपर से अक्षत छीट रही हूँ और फिर अब मैं छन्नी में रख के पहले चांद को देख लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने चांद को देख लूँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं अपने हस्बैंड को छन्नी से देख रही थी तो वो मुझे कुछ कुछ बोल के बहुत हंसा रहे थे, तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।